है दोस्तों, राम राम। विनोद उपाध्याय यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए एक नए वीडियो के साथ पेश हो रहे हैं आपके सामने। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बॉल मिल का बारे में बताएंगे आपको। अभी बॉल मिल को फिटिंग करना है, कैसे फिटिंग किया जाएगा ये देख पा रहे हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज कोन। ये बॉल मिल का डिस्चार्ज कोन है दोस्तों। ये हमारा फीड कोन है। ये सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा बॉल मिल का सेल है, सेल बॉडी। क्रेन से लाए हैं, यहाँ पे रखे हैं। अभी देख पा रहे हैं नया मटेरियल आया हुआ है, इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग किए हैं, पॉलिश करके ग्राइंडर मशीन से बफरिंग हुई लगा करके इसको अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है। चलिए इसके बेस के बारे में दिखाते हैं आपको। ये बॉल मिल रखने का स्टैंड बना हुआ है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं जुगाड़ कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। ये जो बेस बना हुआ है इसी के ऊपर रखा जाएगा ये वाला। ये जो राउंड देख रहे हैं, एक यहाँ पे रखा जाएगा और दूसरा पीस आपका यहाँ पे सामने है। इसी पे बॉल मिल रख करके फिर इसके बाद हमारा ये जो देख रहे हैं ये बैरिंग का बेस है, देख रहे हैं इसको भी अच्छी तरह से पॉलिश कर लिए हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमारा ऑयल रहेगा, बैरिंग रहेगा, ट्रूनियन बैरिंग। ये देखिए एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, दो, एक फीड साइड, एक डिस्चार्ज साइड। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ भी है डी से डिस्चार्ज साइड का। ये देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, मतलब फीड साइड का है। इधर चलिए मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ आपको। कंक्रीट जो हमारा सिविल का काम हुआ है, फाउंडेशन काम हुआ है। देखिए दोस्तों ये जो बेस देख रहे हैं, इस बेस पे हमारा वही जो ट्रूनियन बैरिंग का बेस आके बैठेगा। इसी प्रकार वहाँ एक बना हुआ डिस्चार्ज के लिए। उधर वो जो बेस देख रहे हैं वो पिनियन के लिए है, पिनियन आपका वहाँ रखा हुआ है, पिनियन रखा हुआ है सामने देख लीजिए दोस्तों। ये हमारा मोटर का HT मोटर का बेस है और ये आपका गियर बॉक्स का। आज हम लोग इसको असेंबली करेंगे पूरा। जब अच्छी तरह से असेंबली हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ऊपर देख रहे हैं इंस्पेक्शन डोर है बॉल मिल का, मानोली डोर बोलते हैं।